तुम चाहते हो कि मैं तुमसे अच्छा बिहेव करूं, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी जो तुमने मेरे बेटे के साथ किया है। माफी तो मैं नहीं मांगूंगा। यश ने गलत किया था, उसके साथ जो भी हुआ वो डिजर्व करता था। ही वॉज रॉन्ग। मैं नहीं माफी मांगूंगा उसके लिए। टाइम ओवर। अब तुम अपने बेटे से नहीं मिल सकते। लीव। आपका टाइम खत्म हो गया, चलिए। आई सेड लीव। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो? यू रियली थिंक सो? मुझे लगता है मैं तुम्हारी गलत सिचुएशन में सही हूं, और मेरा सही होना तुम्हें बुरा लग रहा है, पर मुझे अच्छा लग रहा है। गुड नाइट मिस्टर करण लुथरा। गुड नाइट ऑफिसर। उसे मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना था, सिर्फ एक सॉरी बोलता तो कुछ नहीं जाता। अगर उसका ये एटीट्यूड मुझे हर्ट कर गया, हर एक चीज मुश्किल करूंगा उसके लिए। सब कुछ मुश्किल कर दूंगा तेरे लिए करण लुथरा। मैडम, ये रजिस्टर में एंट्री करके आई। साइन? ओके। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे अच्छा बिहेव करूं, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी जो तुमने मेरे बेटे के साथ किया है। माफी तो मैं नहीं मांगूंगा। अब तुम अपने बेटे से नहीं मिल सकते। लीव। धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे। अब जहां लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा तेरा सजदा, दिन रहन करूं ना चैन करूं। सजदा जाए, संग प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं। सजना तेरा सजना, दिन रहन करूं ना चैन करूं। सजना तेरा सजना, तेरा सजना, लतवार करूं मेरी जान करण। बेटा तू जल्दी से घर आ जा। हाँ हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सब ठीक तो है घर पे? तू जल्दी से घर आ जा बेटा, बताता हूँ। ओके ओके, मैं पहुंच रहा हूँ घर, आ रहा हूँ। राजवी, राजवी प्लीज उठो, राजवी प्लीज, राजवी उठो, राजवी राजवी राजवी, हमें काम लेकर जाने, राजवी प्लीज उठो, राजवी। शोर मत करो, जितना उठाना है उठाओ, रूल के हिसाब से। सिग्नल आते ही चुप हो जाना, वरना। थोड़ा गाना वाना चालू कर और चिल रहने की कोशिश कर। हाँ भाई। I'm not afraid to die.
दरवाजे का लॉक खोलो वरना मैं गोली चला दूंगा। खोलो खोलो दरवाजा खोलो। खोले। पलकी प्लीज पलकी बैठो, पलकी बैठो, जल्दी जल्दी वो लोग आ रहे हैं। चलिए प्लीज चलो चलो। गाड़ी में बैठ। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू हमारी हेल्प करने के लिए। वो लोग हमारे पीछे थे, हमें जान से मारना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने बचा लिया। थैंक यू। आप लोग घबराइए मत, मैं आपको पुलिस स्टेशन छोड़ देता हूँ, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। वैसे मोहित यार, मुझे तो कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही है, तुझे आ रही है क्या? हाँ, वैसे शनाया हम एक ही रोड पे है ना? नहीं, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है वो तुझे भी दिख रहा है, और जो तुझे दिख रहा है वो मुझे भी दिखेगा, राइट? गॉड, मैंने क्यों पूछा तुझसे? अच्छा, वैसे किसी ने प्रैंक तो नहीं किया ना, मतलब दूसरे नंबर से मैसेज करके? तू पागल है क्या? तूने मैसेज पढ़ा था ना, उसमें लिखा था ना पलकी ने कि उसको और राजवीर का किसी ने किडनैप किया है। ऐसे में किसी का किडनैप हुआ तो कोई किडनैपर थोड़ी ना उसको अपना फोन देगा किसी को मैसेज करने के लिए। कुछ भी मत बोल। तो शना, एक काम कर, तू उसी नंबर पे ना कॉल कर और एक बार कंफर्म कर ले कि कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा। बस तूने राजवीर को कितनी बार कॉल किया था ना, बता, उसने फोन उठाया था ना? नहीं ना। तो एक काम करते हैं, हम ना राजवीर के ऑफिस चलते हैं और वहां पर देख लेते हैं कि वो लोग वहां पर है या नहीं। ओके फाइन, एक काम करती हूँ, मैं एक बार कॉल करके भी ट्राई कर लेती हूँ। हाँ देख, पता नहीं वो लोग कहाँ रह गए, समझ ही नहीं आ रहा। तुझे समझ नहीं आ रहा, तू ठीक से सुन लेता तो मेरा फोन नहीं गिरता ना। समझ में नहीं आया मुझे। चुप रहे, अब मेरा फोन ढूंढवा, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा फोन। गॉड, इतनी देर से चीख रही थी मैं। देख वहां पर, देख उसके नीचे, देख आए, देख ये रहा तेरा फोन। मोहित, ये तो सिर्फ कवर है, मेरा फोन कहाँ चला गया? ओह शिट, मुझे लग रहा है उसमें गिर गया। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तुझे सुनाई नहीं देता कि मैं तुझे 10 बार बोल रही, चिल्ला रही हूँ, मेरा फोन गिर गया। प्लीज प्लीज, तुझे झगड़े करने अभी यार, हमें लूथरा ऑफिस जाना है ना, पता करना है ना कि राजवीर वहां पर है कि नहीं, और अगर वो वहां पर नहीं है तो हमें पुलिस स्टेशन जाना है या नहीं, तू ये डिसाइड कर ले अभी। तो झगड़े करने है कि वो करना है? अरे जाना, लेकिन मेरे फोन का क्या? अरे गया फोन, छोड़, जो काम है हम वो तो कर ले, वो तेरा फोन तो वेस्ट हो गया ना, तो अभी हम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे, चल ना प्लीज। चल, तू ही दिलाएगा मुझे नया फोन। चल चल बैठ जा। अरे यार क्या हुआ, इसी की कमी रह गई थी, नहीं हो रही है जी ये चालू। ओ गॉड, किसे खटारा बाइक लेके चल रहा है, तेरी बाइक नहीं चल रही है क्या यार? चलो क्या करे, ऑटो से चल।
इंस्पेक्टर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप आज छुट्टी ले लीजिए। यस यस मैं डबल शिफ्ट कर रहा हूँ। सॉरी आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट। मुझे पता है कि मुझे देखकर आप यही बोलेंगे कि मीटिंग टाइम ओवर हो चुका है। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आप तो मुझसे बात ऐसे कर रहे हैं जैसे आप मुझे अच्छे से जानते हैं। आप मुझे नहीं जानते। राइट मैं आपको नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना तो समझ में आता ही है कि कोई गुस्से में है या नहीं। I'm sorry, लेकिन आई थिंक क्या कर रही हैं? यू नीड दिस। मुझे पानी नहीं पीना। नहीं नहीं पीना होगा, लेकिन कभी कभी पानी पीने के बाद गुस्सा शांत हो जाता है। प्लीज बेटा। नहीं लेकिन अभी आपने स्माइल तो किया। ये स्माइल नकली थी। चॉकलेट। आपने बताया कि आप शौर्य की माँ है, मगर उसकी माँ तो नीति है। हाँ इसलिए आप मुझसे इतना। हाँ मैंने मेरे कहने का मतलब था कि मैं शौर्य की माँ जैसी हूँ, वो मेरे बेटे जैसा है। क्योंकि जब आपने बताया कि आप शौर्य की माँ है, मुझे सच में लगा कि आप शौर्य की माँ है। मुझे लगा कि करण लूथरा ने आपसे शादी की है और करण और नीति सेपरेट होने लगी। एनीवे थैंक गॉड आपने करण से शादी नहीं की। क्या करण लूथरा आपको पसंद नहीं है? आई मीन इतने बुरे भी नहीं है। आप जानती नहीं वो कैसे है। जानती नहीं वो कैसे है। लेकिन एनीवे मेबी क्योंकि मैं उन्हें नहीं जानती। अब उनके पास्ट में क्या क्या हुआ है आई हैव नो आइडिया। क्या आपकी और उनकी कोई लड़ाई है? देखिए मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। सुबह से इस बारे में दो बार बात कर चुका हूँ, लेकिन उस इंसान की वजह से मेरा सब कुछ चला गया। I'm so sorry. ऐसा क्या हुआ आपके साथ? If I may ask. देखिए हम दोनों दोस्त नहीं है, ना ही इतने जान पहचान वाले, so क्या प्लीज हम इस बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? जी क्या मैं शौर्य से मिल सकती हूँ? प्लीज थोड़ी सी देर के लिए। मगर एक शर्त पर। जी आपने अपने आप को शौर्य की माँ क्यों बोला? सॉरी क्योंकि मुझे ऐसा ही फील होता है। मैं जब पहली बार शौर्य से मिली थी ना, तभी से ऐसा कनेक्शन हो गया शौर्य के साथ कि मुझे बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि वो मेरा ही बेटा है। मैंने तब से उसे अपना बेटा ही बुलाया है, मतलब उसे यही कहा है कि मैं तेरी माँ जैसी हूँ, तो इसलिए मेरे मुँह से निकल गया। यस सर इन्हें शौर्य के पास लेके जाओ। जी सर आइए मैम। थैंक यू सो मच। सर आपने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, आपने कभी अपने रूल्स नहीं तोड़े और आप इन्हें शौर्य से मिलने दे रहे, वो भी मीटिंग आवर्स खत्म होने के बाद। क्योंकि वो एक अच्छी इंसान है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? ने ऐसे फोन किया मुझे? शौर्य कहाँ है? करण माँ कुछ पूछ रही है, शौर्य कहाँ है? समझ गया। आप सब लोग यहाँ पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि आप सब लोग मुझसे नाराज हैं। निधि ने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि मैं शौर्य को नहीं ला पाया।
नहीं ला पाया? मतलब करण तू जानता भी है तू क्या बोल रहा है? क्यों नहीं ला पाया मेरे शौर्य को? क्या प्रॉब्लम क्या हो गई? बोल, बोलता क्यों नहीं? करण बोलना। मैं नहीं ला पाया मेरे क्योंकि... माँ होने पर सवाल उठाया तुमने करण। तुमने कहा कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ। मेरे लाड प्यार ने शौर्य को बिगाड़ दिया है। मैंने उसे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि वो एक अमीर घर का बिगड़ा हुआ लड़का बन गया है। हाँ, मैंने उसे प्यार दिया, दिया मैंने उसे प्यार, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि वो बिगड़ गया। पर क्या तुम जानते हो मैंने उसको इतना प्यार क्यों दिया? क्योंकि मेरे पास सिर्फ शौर्य था, सिर्फ शौर्य और कोई नहीं था। तुम भूल चुके होगे लेकिन मुझे याद है, हम एंगेज थे। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। मेरी दुनिया तो तुम ही थे, तुमसे ही सारी खुशियां थी। तुम्हारा वो मेमोरी लॉस तेरे लिए तो इमोशन लॉस बन गया ना। तुम्हें याद नहीं था कि तुम्हारी प्रीता से शादी हुई, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी प्रीता से शादी हुई, और फिर एक दिन तुम्हारी मेमोरी वापस आ गई, तुम वापस प्रीता के हो गए। और मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तुम्हारे इमोशन को समझी कि तुम्हें प्रीता से प्यार है, ठीक है। फिर उसके बाद अंजलि को तुमसे प्यार हो गया। अंजलि ने ना जाने क्या क्या नहीं किया, फिर उसके बाद वो कोमा में चली गई, और इस सबके दौरान प्रीता तो यहाँ कभी थी नहीं। मैं थी, अंजलि तो कोमा में थी, प्रीता यहाँ थी नहीं, पर मैं थी। करण शौर्य छोटा सा था, मैं शौर्य के लिए इस घर में आई उसकी माँ बनके। हाँ, मैंने उसे प्यार दिया, बहुत सारा प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि वो बिगड़ गया। तुम्हें पता है आज मैंने शौर्य को डांटा, क्यों ना डांटूं, डांटूंगी, माँ हूँ, हक है ना मेरा भी। तुम्हें तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो, मैं इस घर को बिलोंग नहीं करती, हार नहीं करती, यहाँ मेरा कोई वजूद नहीं है, हार नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है, हार नहीं है। पर करण ये मत बोलना, ये मत बोलना कि मैं शौर्य की माँ नहीं हूँ। और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। एक तरफ तो तुम ये कह रही हो कि तुम्हारे लाड प्यार ने शौर्य को बिगाड़ दिया है, और दूसरी तरफ तुम ये क्लेम करती हो कि तुम एक अच्छी माँ हो। निधि, तुम जानती हो तुम अपनी ही बात को काट रही हो। स्टॉप इट करण, जस्ट स्टॉप इट। इनफ इज इनफ करण, आज तुम्हें जो बोलना है ना सबके सामने बोलो, और क्लियर क्लियर बोलो। क्या चाहते हो तुम, ये घर छोड़ के चली जाऊं मैं? हाँ, यही चाहता है ना करण कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं, तो मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ। बोल दो ना साफ साफ कि घर छोड़ के ठीक है। जो आए तुम्हारे मन में वो करो, अगर तुम्हें घर छोड़कर खुशी मिलती है घर छोड़ दो। इंसान को वही करना चाहिए जिससे उसे खुशी मिले। आई डोंट केयर, ये अजीब सी बेचैनी थम क्यों नहीं रही? सब ठीक तो है ना? अब वापस अंदर आ गई? हाँ, आई नो, तुझे अजीब लग रहा होगा, सोच रहा होगा कि मैं कितनी पागल हूँ। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, अब पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था कि कुछ तो ठीक नहीं है, तो मुझे लगा कि एक बार फिर से आकर मैं तुझसे मिलूं। You're right. मेरी लाइफ में तो कुछ भी ठीक नहीं, सब मुझे कहते रहते हैं जमीन पे नीचे सो जाओ। कितना गंदा है वहां पे, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं बहुत आउट ऑफ प्लेस फील कर रहा हूँ। बट आप मुझे एक बात बताइए, आप अंदर कैसे आई? बिकॉज कॉन्स्टेबल मुझे बता रहा था कि मेरा मीटिंग टाइम खत्म हो गया है और मुझसे कोई अब मिल नहीं सकता। मुझे नहीं बता रहा था, वो किसी और को बोल रहा था, बट मैंने सुन लिया। वो कहते हैं ना,
where there's a will, there's a way. बस मैंने इतना चाहा कि मैं एक बार तुझे देख लूं, तो भगवान ने भी मेरी मदद की तुझसे मिलने के लिए। एक तरफ आप है जो बिना किसी रिश्ते के भी मेरी माँ है, और एक तरफ मेरे डैड जो अब तक मेरे डैड होने के बावजूद वो मुझसे मिलने तक नहीं आए यहाँ पे। उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता मैं जीऊं या मरूं। मेरी फैमिली जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं है। एक मेरी मॉम है जो मुझे आज तक लगता था कि वो मुझसे सच में प्यार करती है, पर अब मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार भी करती होंगी। मुझे उनके साथ बात करते हुए वो फीलिंग आई ही नहीं जो मुझे आपके साथ आती है। मुझे बहुत बहुत अकेला फील होता है, जैसे मेरा कोई अपना है ही नहीं। ऐसे नहीं कहते, मैं हूं ना। अगर कोई नहीं रहेगा ना तेरे साथ, तो भी मैं रहूंगी, हमेशा तेरे साथ रहूंगी।